हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज के सेशन में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा सेशन चल रहा है उसका सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा पूरा लेक्चर बेस्ड होगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ पर। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ देखिए, हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, करेंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ आवर टॉपिक इज एम्पियर सर्किटल लॉ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा फर्स्ट वीडियो में बायो सेवर्ट रूल, उसी तरह से यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर ने क्या किया, एक क्लोज सर्किट लेके एम्पियर ने बताया कि सपोज ये अपने पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें हम आई करंट फ्लो करा रहे हैं, और इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, सपोज इसका एक क्लोज सरफेस है, और इस कंडक्टर से हमने सपोज आर डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट लिया डी एल, और यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज बी है। इस तरह का सिचुएशन है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, दिस इज लाइन इंटीग्रेशन। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रेशन इन एनी क्लोज सरफेस, लाइन इंटीग्रेशन इन एनी क्लोज सरफेस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। दैट मीन्स किसी भी करेंट कैरिंग कंडक्टर से डेवलप जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके किसी क्लोज सरफेस पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका लाइन इंटीग्रेशन उस कंडक्टर में जितना करेंट फ्लो होगा उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। ये कहलाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ इट्स प्रूफ, अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो एक फार्मूला हम जानते हैं जो आपको लर्न करने के लिए है, आपको लर्न करना पड़ेगा। वी नो दैट बी इक्वल टू, देखो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r के इक्वल होता है। ये फार्मूला आप लर्न करेंगे। एक्चुअल में ये फार्मूला बायो सेवर्ट लॉ के स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर से निकलता है जिसको आपको यहाँ पर डायरेक्ट यूज करना है। तो सिंस वी नो दैट b इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई 2i अपान r, नाउ इंटीग्रेट। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू dl, विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, दैट मीन्स dl। तो इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। आगे इसको हम सिंप्लीफाई करें, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज बाहर आ जाएंगे, तो dl को छोड़ के पूरे कांस्टेंट क्वांटिटी हैं ये, तो इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dl, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ bdl इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। इंटीग्रेशन ऑफ dl मीन्स सम ऑफ द ऑल स्मॉल एलिमेंट्स, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 2πr, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल, यहाँ पर देखिए ये 2 इंटू 2 4 होगा और पाई, ये 4 पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, r के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ वहाँ पर क्या बचेगा म्यू नॉट इंटू आई, दैट इक्वल हमारा फार्मूला हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई,
दिस इज बायो एम्पियर सर्किटल्ला। बहुत छोटा सा प्रूफ है ये, जो हमने एम्पियर सर्किटल्ला पढ़ा था यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। आज का हमारा जो कंप्लीट टॉपिक है एक्चुअल में छोटा छोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। एम्पियर सर्किटल्ला के अपन 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स पढ़ेंगे, चार्ज पर फोर्स पढ़ेंगे। तो जितना भी आज का हमारा सेशन में जो टॉपिक है वो नियर अबाउट 5 स्टेप 6 स्टेप के फार्मूला डेरिवेशन है। एक्चुअल में ये पूरा हमारा जो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, इसमें फार्मूले बहुत हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से इसमें जितने भी फार्मूले डिराइव किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट फ्यूचर में IIT JEE नीट का प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हैं वो ये सारे फार्मूले डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप फार्मूला लर्न करने के बाद उसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नाउ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल्ला। अब हम इसके 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इट्स एप्लीकेशन फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम इसका एप्लीकेशन में क्या कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ बी। हमारा पर्पस है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ड्यू टू स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। वायर आर कंडक्टर, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन वायर है और उस स्ट्रेट लाइन वायर को करंट देने से उसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसके किसी पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज स्ट्रेट लाइन कंडक्टर L, इट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज सपोज I एंड दिस इज द डेवलप मैग्नेटिक फील्ड एंड डिस्टेंस ऑफ द रिक्वायर पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर इज सपोज दिस एंड हियर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सपोज B एंड स्मॉल एलिमेंट इज DL। जैसे हमने फिगर अभी उसको प्रूफ करने के लिए बनाया था एग्जैक्ट वैसी फिगर बनेगा। क्लियर? ये है, देखिए इसमें अभी हमने स्ट्रेट लाइन वायर के कारण जो इंटेंसिटी था उसके ही हेल्प से हमने एम्पियर सर्किटल्ला को प्रूफ किया। अब इसका जस्ट रिवर्स वर्क हो रहा है, अब हम एम्पियर सर्किटल्ला के हेल्प से उस फार्मूला को डिराइव करेंगे। क्लियर? तो जस्ट अपोजिट वर्क है, सिंस अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल्ला हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ BDL इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ये हम जानते हैं। अभी हमने एम्पियर सर्किटल्ला को पढ़ा, बहुत आसान है ये। दैट इम्प्लाइज इसको हम इंटीग्रेशन करें तो B को बाहर कर दें, इंटीग्रेशन ऑफ DL इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ DL अभी मैंने बताया 2πr, इंटीग्रेशन ऑफ DL हमेशा 2πr होगा क्योंकि सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल है, इक्वल म्यू नॉट इंटू आई। दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू, उसको उधर ट्रांसफर कर दो, म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू आई अपॉन आर। अब यहाँ पर हम 2 × 2 डिवाइड कर देते हैं, ये हमने 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और ये 2 डिवाइड किया, ये एडजस्टमेंट किया तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा देखो, देयरफॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4π 2i अपॉन आर। ये होता है, अभी आपने ध्यान दिया होगा इसी फार्मूला को लेके हमने एम्पियर सर्किटल्ला को प्रूफ किया, तो जस्ट अपोजिट वर्क है क्योंकि उसी से ये डिराइव होता है तो इससे उसको हम डिराइव कर सकते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट इज ड्यू टू स्ट्रेट लाइन वायर, कैलकुलेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लाइन वायर। छोटा छोटा डेरिवेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया बट इसके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है? देखिए टोरॉइड के आप पहले सिचुएशन को आप समझेंगे, सेकंड इज ये किस तरह का स्ट्रक्चर है। आप सबने स्प्रिंग को देखा होगा,
स्ट्रेट स्प्रिंग तो देखा होगा, जिसको हम सोलेनाइड बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में। तो इस तरह से हमारे पास स्प्रिंग जैसा हो, सोलेनाइड हो। अब सपोज इसको हम एक सर्कल बना दें, इसको हम टर्न करके, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, इसको हम एक सर्कल बना दें। देखिए इस तरह से ये स्प्रिंग है, इसको अब हमने इस तरह से एक सर्कल फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब इस शेप का नाम हो जाता है टोरॉइड। क्लियर? यदि वो स्ट्रेट फॉर्म में हो, सीधा हो, तो उसको हम सोलेनाइड बोलते हैं। और यदि उसी को हम पकड़ के एक सर्कल बना दें, मतलब सर्कल ऑफ द सोलेनाइड इज टोरॉइड, तो टोरॉइड इस शेप का नाम है। अब हमको इसके लिए इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो यहां पर हम कंसिडर करते हैं, सपोज इसमें जो करेंट फ्लो हो रहा है वो सपोज आई है, इसका मिड पॉइंट का जो रेडियस है इनर और आउटर सरफेस के सेंटर में, मतलब इसका जो एक्सिस मैंने डाटे लाइन से बनाया है उसका रेडियस क्या है, आर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। क्लियर? सपोज द नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड इज एन, मतलब हमने इसके यूनिट लेंथ में कितना टर्न किया है, एन, एन बार वायर को लपेटा है यूनिट लेंथ में। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ, आप कंप्लीट लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई होता है, लेकिन यहाँ पर 2 पाई आर इंटू एन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई, ये होगा। अब यहाँ पर आपके लिए समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने ये क्यों मल्टीप्लाई किया। हमारा एम्पियर सर्किटल ला तो म्यू नॉट इंटू आई होता है, तो म्यू नॉट इंटू आई एक्चुअल में एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए है। अब यहाँ पर देखिए 2 पाई आर मतलब क्या हो गया, इसका टोटल लेंथ हो गया, टोटल लेंथ हो गया 2 पाई आर, लेंथ ऑफ द टोरॉइड, एंड यूनिट लेंथ में एन टर्न्स हैं, तो टोटल 2 पाई आर लेंथ में कितने टर्न्स हो जाएंगे, एन इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम एन इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? बस ये एक स्पेशल पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, बाकी इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है। बी को बाहर किया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई, दैट इम्प्लाइज बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, म्यू नॉट एन इंटू 2 पाई आर इंटू आई। दोनों साइड से देखिए, दोनों साइड से क्या है, 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 पाई आर इस 2 पाई आर के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ये होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। क्लियर? नाउ थर्ड एंड लास्ट एप्लीकेशन इज सोलेनाइड। देखिए टोरॉइड और सोलेनाइड तो सेम चीज है, बस दोनों के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, एक स्ट्रेट है एक सर्कल है, तो इक्वेशन यही आएगा, बस उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कैलकुलेशन की स्टेप भी चेंज हो जाएंगे, बट फाइनल इक्वेशन आर सेम। नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज सोलेनाइड। ये किस तरह का शेप होता है, सोलेनाइड इस तरह का शेप होता है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, कई बार बता चुका, ये इसका शेप होता है, लेकिन हम यहां पर इसको एक पाइप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ उसके मैथमेटिकल टर्म्स को एक्सप्रेस करने होंगे। तो हमने यहाँ पर कंसीडर किया, सपोज ये हमारा सोलेनाइड है, इस तरह से हमने इसको एक सिलेंड्रिकल ले लिया जिसमें हम टर्न्स को शो नहीं कर रहे हैं, ये इसका एक्सिस है इस तरह से। क्लियर? अब हमने इसमें एक स्मॉल क्लोज सरफेस ले लिया, स्क्वायर शेप में सपोज ये ले लिया ए बी सी डी, एंड लेंथ ऑफ ईच एज इज सपोज स्मॉल एल, एंड दिस इज द एक्सिस, एंड वी कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ द सोलेनाइड, मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, हम इस पॉइंट पर
इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्लियर? तो किस तरह से कैलकुलेट होगा देखिए, अपन कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, एम्पियर सर्किट लॉ को लगाने के पहले हम थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन के एक प्रॉपर्टी पर, चाहे तो उसको पहले लगा सकते हैं बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं उसको यदि बिगनिंग में अप्लाई कर दूँ तो कुछ स्टेप्स ईजी और कम हो जाएंगे। तो ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल, मतलब ये जो टोटल इंटीग्रेशन होगा इसका लाइन इंटीग्रेशन पूरे ए बी सी डी का, उसको हम फोर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहले फ्रॉम ए टू बी एंड आफ्टर दैट बी टू सी एंड देन सी टू डी एंड फाइनली डी टू ए। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। खासकर बायो के स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे, मैथ्स के स्टूडेंट तो इसको इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं, बायो से स्टूडेंट ध्यान देंगे। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए टू बी बी डी एल, मतलब ये इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये टोटल क्लोज सरफेस है। अब उसको हम पार्ट पार्ट में लिख रहे हैं, एक बार ए टू बी फिर बी टू सी, ये हो गया ए टू बी प्लस बी टू सी बी डी एल प्लस सी टू डी बी डी एल प्लस डी टू ए, ये हमारा सरफेस क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। दैट इक्वल, अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जानते हैं, वेक्टर से हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ये अपने वेक्टर में पढ़ा है। तो ए डॉट बी बी ए बी कॉस थीटा, देखिए जितना मैथमेटिकल टूल्स हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में, वो मेरे जो 5 वीडियो मैंने बनाया है बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स करके, उसमें सब अवेलेबल है। यदि इस तरह की चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होता है बाय द वे, तो आप वहाँ से उसको लर्न कर सकते हैं। और बार बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यदि आपका बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप फिजिक्स अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरा अगेन एंड अगेन सजेशन है आपको कि आप उस 5 वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और उसको आप लर्न करिए। मैंने हर टॉपिक पर एक अलग अलग इंडिविजुअल वेक्टर पर अलग से बनाया है, वहाँ से यूज़ होगा, क्योंकि जब भी ऐसा कोई टर्म यूज़ करता हूँ तो मुझे याद आता है कि सपोज़ किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो प्रॉब्लम आएगा। क्लियर? नाउ अप्लाई द फार्मूला ए डॉट बी हियर, ए बी इक्वल टू बी डी एल इज रिटन एज बी डी एल कॉस थीटा, उस फार्मूला से ऐसा लिख सकते हैं उसको, प्लस बी टू सी बी डी एल कॉस थीटा प्लस सी टू डी बी डी एल कॉस थीटा प्लस डी टू ए बी डी एल कॉस थीटा। हमने ए डॉट बी का फार्मूला सब में अप्लाई कर दिया। नाउ ए टू बी, यहाँ पर ध्यान दीजिए बी डी एल, अब यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू पुट अप करेंगे। तो ए बी को देखिए, जो ए बी है वह एक्सिस के पैरेलल है, आप फिगर में देखिए ए बी क्या है, एक्सिस के पैरेलल है। अब दोनों लाइन पैरेलल होंगे तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस जीरो प्लस बी टू सी बी डी एल कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। अब बी सी लाइन के बारे में बात हो रहा है, बी सी लाइन है और बी सी लाइन क्या है, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, वहाँ कॉस 90 हो जाएगा प्लस सी टू डी, यहाँ पर इंटेंसिटी ही जीरो हो जाएगा। क्यों, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, क्योंकि सोलेनाइड में जब करंट सप्लाई किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड ओनली सोलेनाइड के अंदर ही डेवलप होता है, सोलेनाइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होता। तो ये जो सी डी लाइन आप देख रहे हैं वो आउटसाइड ऑफ द सोलेनाइड है, इसलिए हमने इंटेंसिटी को क्या कर दिया, जीरो। एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझते जाइए, यही फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। ये चीज़ आप नहीं समझेंगे तो टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा और इन फ्यूचर आप उसको कहीं अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। प्लस डी टू ए बी डी एल, ए भी कॉस 90 क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। अब यहाँ पर आप देखिए कॉस 90 जीरो होता है
तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, क्लियर। इस जीरो के कारण ये पूरा टर्म जीरो हो गया और cos 90 के कारण ये भी टर्म जीरो हो गया। तो यहां पर मैंने जो थ्री बॉक्स में बंद कर दिया उसके वैल्यू क्या हो गए, जीरो हो गए। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल cos 0 इज 1, ये हो जाएगा a टू b बी डी एल। नाउ अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ। अब हम यहां पर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या लिख सकते हैं आप ध्यान दीजिए, म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई, ये लिखेंगे। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि मैंने एन इंटू एल क्यों किया, एन इंटू एल जैसे वहां पर मैं 2πr इंटू एन किया था वैसे यहां पर हम एन इंटू एल किए। तो एन इंटू एल क्यों किया, देखो ये क्या है, इस साइड का लेंथ है एल और यूनिट लेंथ में एन टाइम्स वायर बाइंडिंग किया गया है, तो यहाँ पर कितने वायर हो जाएंगे, एन एल वायर हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर एन एल को मल्टीप्लाई किया गया है। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, बी को मैं बाहर कर दूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होता है, एल, और लिमिट फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी जो कि एल हो जाएगा, क्लियर। आगे हम इसको अपन सॉल्व कर दें तो दोनों साइड से क्या होगा, एल कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर फाइनल इक्वेशन मिल जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, दिस इज फाइनल इक्वेशन। अभी आप ध्यान दिए होंगे कि इससे पहले जब हमने टोरॉइड के लिए फार्मूला डिराइव किया था तो सेम यही फार्मूला आया था, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि टोरॉइड एंड सोलेनॉइड आर सेम थिंग बट इट्स ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ओनली विल बी चेंज, सोलेनॉइड इज स्ट्रेट एंड टोरॉइड इज सर्कल, ओके। ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन हो गया सोलेनॉइड। इस तरह से हमने एम्पियर सर्किटर ला के थ्री एप्लीकेशन पढ़े, फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन कंडक्टर, सेकंड इज टोरॉइड एंड थर्ड इज सोलेनॉइड। अब हमको कुछ दो तीन छोटे छोटे फार्मूले डिराइव करने हैं जो हमारे नेक्स्ट क्लास को समझने के लिए हमको हेल्पफुल होगा, तो आप इसी वीडियो में उसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट में जब मैं थर्ड नंबर का मेरा पोर्शन इसको आप देखेंगे तो उसमें आपको फिर इसके बिना आप उसको नहीं समझ सकते। इस तरह से हमारा जो सेशन है वो एक प्रॉपर ऑर्डर पर है, आप फर्स्ट देखेंगे तभी आपको सेकंड समझ में आएगा, तभी आपको थर्ड समझ में आएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एम्पियर सर्किटर लॉ हमारा पूरा हो गया, इसके बाद हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर मेन टॉपिक है हमारा, फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे के टॉपिक को समझने के लिए हेल्पफुल है। फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मतलब हमारे पास एक करेंट कैरिंग कंडक्टर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसमें कितना फोर्स होगा। देखिए सपोज करिए कि ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस तरह से, और इसमें एक करेंट कैरिंग कंडक्टर, ये सपोज कर कोई करेंट कैरिंग कंडक्टर है इसको रखा गया है, इसमें हम आई करेंट फ्लो करा रहे हैं और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सपोज बी है। तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास पहले से है किसी परमानेंट मैग्नेट का और एक मैग्नेटिक फील्ड ये डेवलप करेगा, क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि करेंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। तो आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, फर्स्ट इज दिस एंड सेकंड इज डेवलप्ड बाय करेंट कैरिंग कंडक्टर, क्लियर। और इन दोनों के बीच सपोज ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट फोर्स है, ये इसके साथ में सपोज थीटा एंगल बनाता है और इसका लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो एल है। तो इसमें फोर फैक्टर्स हैं, फर्स्ट इज, ये फोर फैक्टर्स को आप ध्यान से समझिए, फर्स्ट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स, दिस फोर्स, फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करेंट. सेकंड इज ए प्रोपोर्शनल टू एल, दैट मीन्स कंडक्टर का जितना लेंथ उस मैग्नेटिक फील्ड में होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. एंड थर्ड इज एफ प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. एंड फोर्थ इज एफ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. नाउ कंबाइंड फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, देयरफॉर एफ प्रोपोर्शनल टू आई एल बी साइन थीटा. दैट इम्प्लाइज यदि हम फोर्स कांस्टेंट को यूनिट ले लें तो एफ इक्वल टू हो जाता है आई एल बी साइन थीटा. ये फार्मूला आप लर्न कर ही लेंगे, अदरवाइज आगे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा. क्लियर? दिस इज द फार्मूला फॉर फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड. इसी फार्मूला को एक दूसरे फॉर्म में चेंज करें. यहाँ पर है फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर, अब हम इसको कर दें फोर्स ऑन ए चार्ज. फोर्स ऑन चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड. सपोज अब यहाँ पर कोई कंडक्टर वायर ना होके कोई फ्रीली इंडिपेंडेंट चार्ज है. सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, इसका इंटेंसिटी बी है. अब इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है एक पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, तो इस पर कितना फोर्स होगा? ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है, इस पर कितना फोर्स होगा हमको फाइंड करना है. और इस बात को बताया लॉरेंज ने, इसलिए इसको लॉरेंज फोर्स भी बोला जाता है. लॉरेंज फोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है जिसको लॉरेंज साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, और लॉरेंज फोर्स आपको आगे काम आएगा. तो ये जो फार्मूला हम देखे हैं यहां पर थोड़ा सा अपन चेंजेस कर देते हैं. सिंस आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी एंड लेंथ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा. हमको पता है कि करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम. देयरफॉर ये दोनों फार्मूला को हम इसमें अप्लाई कर दें तो क्या, मैं बहुत शॉर्ट तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिए. यहाँ पर आई का वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ से तो हो जाएगा क्यू बाई टी, इंटू एल का वैल्यू यहाँ से पुट अप कर दें तो हो जाएगा वी इंटू टी, और इंटू बी साइन थीटा को हम यहाँ पर लिख देते हैं बी साइन थीटा. अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो टी टी कैंसल आउट हो जाएगा और मिल जाएगा एफ इक्वल टू क्यू वी बी इंटू साइन थीटा. दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. मतलब यदि आपको पता है कि किसी भी करेंट कैरिंग कंडक्टर में कितना फोर्स होता है, तो यहाँ से एल और आई को हमने रिप्लेस कर दिया चार्ज और वी के फॉर्म में, तो न्यू फार्मूला अपने को मिल गया एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. और आपको अगेन एंड अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि ये सब फार्मूले आपको यदि तैयार ना रहे तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप इसको यहाँ लर्न कर लेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज टॉर्क ऑन ए लूप. ये जो छोटे छोटे मैथमेटिकल टर्म्स में जो बता रहा हूँ आपको, ये आगे के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. मतलब टोटल चैप्टर इसी पर बेस्ड हो जाएगा आगे. टॉर्क ऑन ए लूप, लूप क्या होता है? देखो, लूप एक ऐसा डिजाइन है जो या तो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है, और इसमें हम करंट सप्लाई करते हैं तो ये टार्क डेवलप करता है. किस तरह से टार्क डेवलप करता है? देखिए, ये सपोज हमारे पास किसी हार्सो मैग्नेट या किसी मैग्नेट के कॉनकेव कटिंग टू पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और हमने यहाँ पर एक लूप, इसको बोलते हैं लूप. ये एक लूप है जिस पर हम आई करंट सप्लाई कर रहे हैं, रखा हुआ है. सपोज इसका लेंथ एल है और विड्थ क्या है? बी है. अब जैसे हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे तो ये जो लूप है इसी के बेस पर मोटर और डायनेमो सब इसी बेस पर बनाए जाते हैं. तो इस लूप पर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा, फोर्स ऑफ कपल.
और जैसे फोर्स ऑफ कपल डेवलप यहाँ रोटेट होने लगता है टार्क के कारण, क्योंकि कहीं भी टार्क डेवलप होगा तो क्या कराएगा उसको, रोटेशनल मोशन कराएगा। तो यहाँ पर हम इसको टार्क का कैलकुलेट करेंगे कि टार्क का वैल्यू कितना होता है टाई इक्वल। तो टार्क का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, देखो टार्क का फार्मूला अपने को पता है कि एनी वन फोर्स दैट मीन्स एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये दोनों जो फोर्स हैं इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वह बी का साइन थीटा कंपोनेंट होगा, सॉरी एल का साइन थीटा कंपोनेंट होगा। तो क्या हो जाएगा, एफ एल बी साइन थीटा, क्लियर। तो हो जाएगा एफ एल साइन थीटा ना, या बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, एनी वन कंपोनेंट। दैट इंप्लाइज टाई इक्वल टू, यहां पर हम विड्थ का कंपोनेंट लेते हैं बी साइन थीटा। अब अपने को एफ इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा है आई एल बी साइन थीटा, तो एफ का वैल्यू हम यहां पर पुट कर दें आई एल बी, और यहां पर थीटा 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेट के जो पोल्स हैं उसको कॉनकेव कटिंग किए गए हैं। तो वन हो जाएगा, तो आई एल बी इंटू ये वाला बी और इंटू साइन थीटा। दैट इंप्लाइज टाई इक्वल टू, ये लेंथ और विड्थ दोनों मल्टीप्लाई होकर एरिया ऑफ द लूप बन जाएंगे। तो हो जाएगा आई ए बी साइन थीटा। एंड इफ एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज हमारा ये जो लूप था अभी इसमें एक वायर यूज किया गया है, अब इसमें हम एन वायर यूज करके रखे हैं, तो इसमें एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टाई इक्वल टू हो जाएगा एन मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टार्टिंग में एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये होता है टार्क आने लूप। इस तरह से ये जो फार्मूला है इसकी सहायता से हम किस जब मोटर डायनेमो वगैरह पढ़ेंगे आगे, तो इसी टार्क के हेल्प से मोटर क्या होता है, रोटेट होता है, क्लियर। डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में मैंने टोटल मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको बताया जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि आप जब इसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें आप गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, ये पूरे के पूरे टॉपिक आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया उस पर बेस्ड है। तो मेरा आपका सजेशन है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, तो आगे का टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।